बगैर अनुमति के चल रही पेड़ों की कटाई, ग्रामीणों के आक्रोशित होने पर फरार हुए तस्कर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं G7 न्यूज। बलरामपुर जिला के कुसमी अंतर्गत ग्राम पंचायत गोपातू में अवैध रूप से लिप्टस पेड़ की कटाई से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने हमारे संवाददाता को बताया कि करीब 35 से 40 वर्ष पूर्व में कृषि विभाग के द्वारा 5 एकड़ शासकीय अनुदान भूमि में लिप्टस का 500 पेड़ लगाया गया था। जिस व्यक्ति के द्वारा शासन को भूमि अनुदान किया गया था, उसके व गांव के दलालों सहित कुछ बाहरी लोगों से मिलकर शासन एवं पंचायत के बिना परमिशन अवैध रूप से लगभग 35 वृक्षों को काटा गया। जब ग्रामीणों के द्वारा लकड़ी काटने एवं ट्रांसपोर्टिंग आदेश पत्र मांगा गया, तब उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई वैध कागजात नहीं दिखाया गया। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी कुसमी SDM, तहसीलदार व RI पटवारी को दिया, जहां सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर कटे हुए वृक्षों एवं ट्रक पर लदे हुए लकड़ियों को ट्रक समेत एवं किरान को पंचनामा तैयार कर जब्त कर सामरीपाट थाना को सुपुर्द किया, जहां विवेचना पश्चात कार्रवाई करने की बात कही गई। संवाददाता सुनील चेरवा की रिपोर्ट। जो है दान पत्र में लिखाया गया है और चेतना विभाग से लगा है लिप्टस, और आज नहीं करीब करीब 30 से 32 साल हो गया इसका लगन, और आज पता नहीं कौन परमिशन दे दिया। और हमें सुबह जानकारी मिली, ग्रामवासियों में से किसी ने फ़ोन किया था हमें कि यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है और उसमें पेड़ कटिंग करके लोडिंग हो रही है जी। तो उसी को जांच स्थल जांच पे हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। तहसीलदार के साथ हमारे राजस्व की टीम भी यहाँ पे आई हुई है जी। मौके पे पहुँचने के बाद जो जानकारी अभी यहाँ पे मिली है, इनके द्वारा कोई पहले अनुमति नहीं ली गई है, और दूसरा जो है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो वृक्षारोपण ये किया गया था इकोलिप्टस का जो था, वो कृषि विभाग के द्वारा इकोलिप्टस की यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया था, प्लांटेशन किया गया था, और हमारे कार्यालय में और या फिर तहसीलदार के कार्यालय में किसी भी प्रकार की वृक्ष कटाई की अनुमति इसमें नहीं ली गई है, ना ही कोई पूर्व सूचना दी गई है। और इसी हम लोग को खुद ही जानकारी नहीं था, सुबह सुबह जब कल से शायद पेड़ कटिंग हो रहा था, हम लोग को जानकारी नहीं था। जब पेड़ कटिंग चालू हुआ तो आके देखे कुछ ग्रामीण लोग, तो हम लोग सोचे कैसे पेड़ कट रहा है, हमको जानकारी नहीं था। हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं कि कृषि विभाग का जमीन में पेड़ लगा हुआ है, दान पत्र वाला जमीन है, हमको जानकारी है ग्राम पंचायत से। उसके बाद जब सुबह आया तो बोले कि किसके परमिशन से कट रहा है, गाड़ी वाले लगे हुए थे पेड़ कटिंग के लिए, जो लोग आए हुए थे ठेकेदार लोग, तो जब जानकारी मांगे तो उन लोग हम लोग को जानकारी नहीं दे पाए। हम बोले कि हम लोग के पास परमिशन है, आप लोग को नहीं दिखाएंगे। तो जब फिर परमिशन का पेपर मांगे, लोडिंग बंद कराए, तो फिर सभी लोग जितने लोग आए हुए थे सभी को अफरा तफरी में, मतलब 9 बजे हम लोग लोडिंग रोके हैं और 11 बजे तक पता नहीं सब कहाँ चले गए, पता नहीं। सिर्फ ट्रक खड़ी थी और जो ट्रक में लकड़ी लोडिंग हुआ था और हाइड्रा, बाकी बात जितने काट रहे थे और जो ठेकेदार थे वो कोई नहीं है। SDM साहब, तहसीलदार साहब आए और जो कार्यवाही होना था लकड़ी का जब्ती बनाए, हमको बहुत ही अच्छा लगा, इसमें बहुत जल्दी ही कार्रवाई हुई।